पटपड़गंज इलाके के नेहरू कैंप झुग्गी बस्ती में रविवार तड़के भीषण आग लग गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। इस आग में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन चार झुग्गी और चार दुकानें जलकर खाक हो गई है। इन झुग्गियों और दुकानों में रखा सामान भी जलकर राख हो गया है। दमकल विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक रविवार तड़के मदर डेयरी के पास नेहरू कैंप की झुग्गी बस्ती में आग लगने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही 8 फायर टेंडर को मौके पर भेजा गया, जिसने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। आग काफ़ी भीषण थी। गनीमत रही कि झुग्गियों में रह रहे लोग समय रहते बाहर निकल गए और आग को काबू कर लिया, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। दमकल अधिकारियों ने बताया कि इस आग में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। आपको बता दें कि यह इलाका पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ऐसे में आग लगने की सूचना के बाद पूर्व पार्षद व आप नेता गीता रावत मौके पर पहुंची और पीड़ित परिवार से मुलाकात कर उन्हें दिल्ली सरकार से उचित मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया।